हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कैसे आप अपना मोबाइल नंबर चेंज या फिर अपडेट कर सकते हैं, यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है, वो आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है गिस फिक्सर, ये एप्लीकेशन का नाम है। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम डाला हुआ है, वहाँ से भी नाम देख के आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको सेकेंड नंबर पे दिख रहा होगा। अब एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। यहीं से आपको नंबर चेंज करने का बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा और 100% ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए है आपने, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने मिलेगा अपनी स्क्रीन पे। ऊपर कॉर्नर पे लिखा हुआ है गिस फिक्सर और वहाँ पे थ्री लाइन है उसके नेक्स्ट में, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है थ्री लाइन पे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन कॉइन्स का दिखेगा और सेकेंड ऑप्शन ऐप्स का दिखेगा। आपको सिंपली ऐप्स पे क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको मेल फॉर्मेटर में जाना है, लेकिन जैसे ही आप मेल फॉर्मेटर पे क्लिक करते हैं आपको एक ऐड दिखेगा, वो वॉच करना होगा। ऐड देखने के बाद एक कॉइन मिलेगा और उसके बाद ही ये मेल फॉर्मेटर जो है ओपन होगा, अनलॉक होगा। अनलॉक करने के लिए कॉइन लगेगा और कॉइन आपको ऐड देखने के बाद मिल जाएगा। उसके बाद मेल फॉर्मेटर ओपन करेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक का ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च फॉर फाइल, ये सब अलग अलग टॉपिक है। आपका टॉपिक है मोबाइल नंबर चेंज, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है बैंक मोबाइल नंबर, आपको दिख जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, अब आपको ऐसे इंटरफेस दिखेगा। एंटर ईमेल सब्जेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है तो आपको ईमेल सब्जेक्ट में मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिसीवर्स नेम लिखा हुआ दिखेगा सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे आपको रिसीवर नेम डाल देना है। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोस्ट ऑफिस बैंक कस्टमर केयर। थर्ड कॉलम इजी है, नंबर अपना नाम डालना है आपको। मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, इसके लिए मैं डेमो लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अपना ही नाम लिखना है। फिर आपको ऐड के बटन पे क्लिक करना है और ओल्ड नंबर लिखना है, एक कॉलम ऐड हो जाएगा, उसमें आपको अपना पुराना नंबर डालना है। उसके बाद फिर ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और उसमें आपको लिखना है न्यू नंबर जो आप चेंज करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं। ये सब कुछ लिखने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद, ऐड के नीचे सेंड ईमेल का बटन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये मेल फॉर्मेटर बेसिकली आपको एक फॉर्मेट लिख के दे देगा प्रोफेशनल तरीके से नंबर चेंज के रिगार्डिंग। जैसे आप सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली ईमेल पे पहुंच जाओगे और आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ईमेल लिखा हुआ मिल जाता है। ईमेल क्या लिखा है आपको एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ चेंज ऑफ मोबाइल नंबर फॉर माई बैंक अकाउंट। माई करंट मोबाइल नंबर इज ओल्ड मोबाइल नंबर एंड आई वुड लाइक टू चेंज इट टू न्यू मोबाइल नंबर। आई एम चेंजिंग माई मोबाइल नंबर बिकॉज आई हैव रिसेंटली स्विच टू अ न्यू फोन। आई हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड द न्यू मोबाइल नंबर एंड आई हैव एक्सेस टू इट। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड चेंज द मोबाइल नंबर लिंक टू माई बैंक अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। उसके नीचे लिखा हुआ है थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एकदम कम टाइम में एक प्रोफेशनल ईमेल आपको लिख के मिल जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बैंक की ईमेल आईडी डालना है और इस ईमेल को सेंड कर देना है। ईमेल जैसे ही आप सेंड करते हो, सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और
यहाँ पे आपका मैक्सिमम 2 से 3 दिनों के अंदर नंबर चेंज और अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया है, सेम यही तरीका आपको फॉलो करना है अपना नंबर चेंज या फिर अपडेट करने के लिए इस एप्लीकेशन के थ्रू और मेल फॉर्मेटर के थ्रू। यहाँ पे दूसरे भी आप नंबर चेंज और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे आप मेल फॉर्मेटर मेल लिख के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मेल फॉर्मेटर को। एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।